Welcome to lecture number 3 of object oriented programming course. आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं और हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं. ये आज का रोड मैप है. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या है. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है. जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो बैकएंड पे एक स्पेशल मेथड कॉल होता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करता है. अब आपके पास डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं, जिसमें आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, देन यू हैव पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड देन यू हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर्स. ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर हैं और ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, ये समहाउ सारे एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, विच इज़ दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स. यानी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज होते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है. जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं तो अगर आप क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो जावा जो है वो इम्प्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक क्लास क्रिएट हो रही है जिसका नाम पर्सन है और उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं एज एंड नेम, और यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया. जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर को लिखने का एक स्पेशल वे है कि आप उसमें सबसे पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड देन मल्टीपल आर्गुमेंट्स या कोई आर्गुमेंट नहीं. तो आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है उसमें जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो हमेशा आपके क्लास नेम के इक्वल होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ. जब आप अपनी क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो जावा जो है वो इम्प्लिसिटली बैकएंड पे आपके लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा ताकि वो इन एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन कर सके. तो इसको हम कहते हैं दिस आर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट जो है वो है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसको आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और इसके साथ हमने एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट होगा. और ये जो जब आप ये वाला कंस्ट्रक्टर बना देंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो फिर जो इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो नहीं बनाया जाएगा बल्कि आपका प्रोग्राम इस कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट करेगा. इस कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट ये है कि अगर आप एक क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहें तो आप उस पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखें तो जितने भी आपके पास पर्सन के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उन सब की एज ज़ीरो होगी और उनका नेम जो है डेट विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग. तो ये आपके पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा. उसके बाद आप अगर आपको फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो जावा आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, जैसे अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को देखें तो उसमें आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसमें आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं. इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी की वैल्यू से इनिशलाइज करना चाहें तो आप उस पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं. लेट्स से हम चाह रहे हैं कि हम एक पर्सन बनाएं जिसकी एज 25 हो और उसका नेम लेट्स से अली हो, तो हम उस पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं जो कि एक एज और नेम को एक्सपेक्ट कर रहा होगा. दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अब फर्दर जो है आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी है. एक्चुअली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ही टाइप है. इसमें अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होगा कि आपके पास जो कंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर हैं वो सेम होंगे लेकिन उसके जो आर्गुमेंट हैं वो डिफरेंट होंगे. इनको हम कहते हैं दे आर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स.
जी, आप पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखिए तो ये आपके पास दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक इंटीजर और स्ट्रिंग, और दूसरा जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, और जो तीसरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है वो एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। अब आपको ये जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं ये आपको फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक वैल्यू से इनिशियलाइज़ करना है तो आप उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे अगर हम इस पहले कंस्ट्रक्टर को देखें तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको एज और उसका नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप पर्सन का एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें जिसमें नेम तो डिफ़ॉल्ट मिले लेकिन उसको एज आप अपनी वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवाएं, तो आप ये सेकंड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें जिसको एज जो है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद दे और आप उसका नेम इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ये थर्ड वाला ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स आपको फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वाइल क्रिएटिंग या इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपके पास एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर भी यूज़ होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है। यानी अगर आपने एक ऑब्जेक्ट का, एक क्लास के ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करनी हो तो आप बैकएंड पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर लिखा है और उसके अंदर हमने एक पर्सन का ऑब्जेक्ट पास किया है। तो आप जब भी इस क्लास, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो आपको ऑलरेडी एक पर्सन का ऑब्जेक्ट इसको पास करना पड़ेगा, और जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो जो आर्गुमेंट आपके पास ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसके एट्रीब्यूट्स के बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लेट्स से आपने एक P1 क्रिएट किया हुआ है और उसको आपने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने उसकी एज की वैल्यू दी हुई है, आपने उसके नेम की वैल्यू दी हुई है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, और आप चाह रहे हैं कि जो P2 आप इनिशलाइज़ करें उसकी एज और नेम P1 के बराबर हो, तो आप P2 पे यूजिंग न्यू इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर सकते हैं पर्सन, और उसके अंदर P1 को आप पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये आपके पास एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। तो चलिए ज़रा इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये कंस्ट्रक्टर यूज़ हो सकता है। लेट्स से हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जावा प्रोजेक्ट, एंड उसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ये एक कंस्ट्रक्टर का हमारे पास, और उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि आपके पास ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन मेथड क्रिएट होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक पर्सन की क्लास बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करेंगे। तो लेट्स कॉल इट पर्सन डॉट जावा। तो आपके पास एक क्लास क्रिएट होगी, अब इसके हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखते हैं, लेट्स क्रिएट इट्स नेम एंड लेट्स क्रिएट इट्स एज। और जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम इसके सेटर्स और गेटर्स भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसके जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें इसके सेटर गेटर चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे सेट नेम बनाते हैं क्योंकि नेम की जो टाइप है, पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर आएगा डैट इज़ पब्लिक, देन इस रिटर्न टाइप विल बी वॉइड एंड इट विल एक्सपेक्ट एन आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और इसमें हम कहेंगे नेम इज इक्वल टू एन। तो ये आपके पास सेट नेम हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे पब्लिक वॉइड सेट एज, और इसको एक इंटीजर आर्गुमेंट हम पास करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू एज।
उसके बाद हम इसका गटर बनाते हैं। तो जब भी आपको पता है, जब भी आप इसके गटर बनाएंगे तो आपको वो वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। जैसे हम नेम का गटर बनाएंगे तो इट विल बी पब्लिक एंड देन इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग एंड इट्स नेम विल बी गेट नेम एंड इट विल एक्सपेक्ट नो आर्गुमेंट्स। और इसको हम रिटर्न करेंगे नेम। और उसके बाद हम एज का बनाते हैं, तो एज जो है वो इंटीजर टाइप की है, तो उस रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर एंड गेट एज नो आर्गुमेंट्स एंड देन वी विल रिटर्न एज। तो ये हमने एक पर्सन की क्लास बनाई है जिसमें हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखे हैं और उसके शटर कटर रखे हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो चलिए हम मेन क्लास में जाके इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स कॉल इट न्यू पर्सन। और अगर आप एस आउट करें एक ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन और उसकी टाइप आपके पास हो जाएगी, प्रिंट होगी। आप जैसे ही इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आउटपुट पे, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक पर्सन क्रिएट हुआ है और इसकी एक मेमोरी लोकेशन है। इसका मतलब ये है कि जब हमने पर्सन का कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा ने बैकएंड पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन की है। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद आपके पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते। तो आपके पास जो कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स है वो ये है कि आप उसमें सबसे पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर नेम, और उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद आप उसमें आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने का या उसको लिखने का एक तरीका है। तो चूंकि हम एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो लेट से हम उसकी जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट रखते हैं, और जब हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उस कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो एग्जैक्ट क्लास नेम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे पर्सन है तो इसका नाम भी पर्सन होगा। और ये आप देख सकते हैं ये नो आर्गुमेंट, इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहे। अब आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं इनको अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पर्सन का, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब की एज वैल्यू 5 हो। तो अब हम मेन में जाते हैं और यहाँ पे हम न्यू पर्सन 1 कॉल करते हैं और उसी के साथ ही हम पर्सन P2 को भी कॉल करते हैं। P2 इज़ इक्वल टू न्यू पर्सन। हम दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और फिर हम P1 का गेट एज करते हैं और इसी तरह से P2 का गेट एज करते हैं। आप देखेंगे चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमेशा एज की वैल्यू को 5 सेट कर रहा है, आपके पास दोनों की वैल्यूज़ 5 आएंगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं 5 एंड 5। तो बेसिकली ये जो है दिस इज़ द डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट ये है कि आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स को कोई इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं जब आप उनको इनिशियलाइज कर रहे हों। उसके बाद आपके पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आपके पास कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई आप पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। लेट्स से हम एक पर्सन का ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और उसमें हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, नेम एंड एज। और हम कहते हैं कि आवर नेम विल बी इक्वल टू दिस नेम एंड एज विल बी इक्वल टू एज। अब ये जो आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, अब ये आपको फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें यह है कि जब आप कोई भी पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें जिसको आप अपनी मर्ज़ी का नेम देना चाहें और अपनी मर्ज़ी का एज प्रोवाइड करना चाहें, तो आप इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल को यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमने एक कंस्ट्रक्टर से एक P1 को यूज़ किया है यूजिंग
नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और हम दूसरा जो है वो इनिशियलाइज करते हैं एक आर्गुमेंट के थ्रू। लेट्स इसका नेम हम रखते हैं अरशद, और लेट्स इस age 56 रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसकी एज को प्रिंट करेंगे तो ये 56 आएगी P2 की, और इसी तरह से अगर हम P2 का नेम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास अरशद आएगा। तो लेट्स चेक इट आउट, गेट नेम। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं नेम अरशद और age 56, ये पर्सन 2 की। तो ये आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप जब एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से थर्ड जो टाइप हमने पढ़ी थी डेट वॉज रिगार्डिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही होते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं जिसको कि हम सिर्फ स्ट्रिंग पास करें, और हम चाह रहे हैं कि सिर्फ उसमें नेम जो है वो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट सेट हो, लेकिन एज जो है वो उसको कंपाइलर ख़ुद उस एज को इनिशलाइज करें। तो यहाँ पे चलिए इसके हम एग्जांपल चेक करते हैं। हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स कॉल इट पर्सन P3, और पर्सन P3 को हम इनिशलाइज करते हैं यूजिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, लेट्स नेम इट अली, और हम इसको प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करते हैं नेम ऑफ P3 इज P3.getName, और इसी तरह से हम इसमें इसकी एज भी प्रिंट करते हैं एज इज P3.getAge। आप देखेंगे कि नेम की वैल्यू वो होगी जो हमने यहाँ पे सेट की है, और एज की वैल्यू क्योंकि हमने सेट नहीं की तो जो कंपाइलर है उसको जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उससे इनिशियलाइज करेगा। जब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ P3 इज़ अली एंड एज इज़ 0। तो आपके पास ये जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है ये आपको फर्दर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी के आर्गुमेंट के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डेट वॉज रिगार्डिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? आपके पास एक ऐसा स्पेशल कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आर्गुमेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट जा रहा होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम पर्सन का एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं, पर्सन पी, एंड लेट्स वी सेड इट दैट पी विल गेट द वैल्यू नेम एंड एज विल बी इक्वल टू पी डॉट। अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट्स से हमारे पास एक P2 है जिसका नेम हमने अरशद रखा है और उसकी age 56 रखी है, और लेट्स से हम चाह रहे हैं कि जो P3 है उस वो एग्जैक्टली P2 की कॉपी बने। तो हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है उसके अंदर P2 एक कम्प्लीट ऑब्जेक्ट पास किया है। तो बैकएंड पे क्या होगा, जैसे ही आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये जावा क्लास में इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, और पी की जो वैल्यू पी का जो नेम है डेट विल बी असाइन टू P3 क्योंकि हम P3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इसी तरह से पी की एज जो है डेट विल बी इनिशलाइज टू P3 एज, और हम यहाँ पे P3 का नेम और एज गेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं P3 अरशद और P3 की एज जो है वो है 56 क्योंकि हमने इसको यूज़ किया है यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट हुआ है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट हुआ है, और ये आपके पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिस पॉइंटर्स को देखेंगे और उसके साथ ही हम इनर क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।